हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर व्लॉग। मैं डॉक्टर मोहम्मद अय्यूब शनलन चाइना में, और आज की वीडियो में आपको मैं ये विलेज घुमाता हूँ। बहुत मज़े की जगह है। चाइना के विलेज कैसे होते हैं, दुकान शॉप्स कैसी होती हैं, क्योंकि मैं इधर करीब ही रहता हूँ, तो आपको दिखाता हूँ। मैं अपने इलेक्ट्रिक बाइक पर, आपको वो पीछे आप देख सकते हैं पहाड़ियाँ कैसे मज़े की नज़र आ रही हैं, बिल्कुल कश्मीर की तरह की हैं ये चीज़। तो आपको चलते हैं। ज़िंदगी बड़ी ठंडी सी होती है, इवन इनके विलेज हैं तब भी दरख्त हर जगह लगे होते हैं। ये सुपर मार्केट है यहाँ की, यहाँ पे हर शायद ऑनलाइन बहुत सस्ती मिलती है। बाहर आपको मैं आगे जाके ना पहाड़ियाँ दिखाता हूँ, बड़ा मज़ा आता है देखते हुए, और सुकून है। यानी इक्का दुक्का बंदे घूम रहे होते हैं। नानजिंग में मैं रहा था, वहाँ पर ये इशू था कि बहुत ज़्यादा डाउनटाउन, बहुत ज़्यादा बिल्डिंग्स, बंदा तंग हो जाता है। गांव में यह है कि लंबी उम्र बंदा रहता है, टेंशन फ्रस्ट्रेशन नहीं होती। यहाँ पे भाई सब कोई मेट्रो शेट्रो नहीं है, जस्ट बस सर्विस है या टैक्सियाँ मिल जाती हैं। और टैक्सियों का भी मैंने रेट देखा है कि टैक्सी जो है वो सस्ती है गाँव वाली साइड में, यानी रेट कम है लोकेशन के हिसाब से, क्योंकि उधर शायद टाइमिंग ज़्यादा लगती है। यहाँ से 6 सिग्नल होते हैं मेरी यूनिवर्सिटी तक जाते हुए, इस वजह से यहाँ पे काम सस्ता है। और इवन ये विलेज था इनका, क्योंकि इनका विलेज पाकिस्तान के शहर के बराबर ही है, हाउसिंग सोसाइटी। यहाँ पर ये पार्क है लगा हुआ है, दिन के टाइम काफ़ी रश होता है, लोग अपने डॉग्स वॉग ले के आते हैं। और ये दरख्त आप देख रहे हैं बड़े मज़े के, शदीद ग्रीन, और फुटपाथ। यहाँ पर ज़्यादातर ये रिपेयरिंग की दुकानें हैं। खामोशी आप देखें, बाकी छोड़ें। ये शेंजन का जो है विलेज साइड है, वो सामने आप देखें, ये जी सब्ज़ा कैसे शदीद सब्ज़ हैं दरख्त यहाँ पे। शायद इस ज़मीन में आयरन बहुत है इस वजह से। वाह क्या यार मज़े की जगह है। हाँ, अब आपको मैं यहाँ पे एक और चीज़ बता दूँ, अगर आपने कोई रूम शूम बाय करना है या रेंट करना है, सॉरी बाय तो नहीं, मिलता तो नहीं है यहाँ पे, फॉरनर को ये नहीं देते, रेंट करना है तो जस्ट ये जो जिस तरह ये किराना स्टोर है ना नीचे, यहाँ पे ये इनके पास आके उनको कहें कि चू फांग मा, मतलब कि मैं यहाँ पे रूम रेंट मिलता है कि नहीं, तो जब आप ये कहेंगे ना तो वो क्या बताएंगे कि आपको इस बिल्डिंग में है नहीं, मतलब आपको एजेंट्स रंग बिरंगे लेने की ज़रूरत नहीं है। आप जिस जो बिल्डिंग जो एरिया पसंद है उसके नीचे चले जाएं, वहाँ पे दो चार दुकानदारों से पूछें कि मैं यहाँ पे, तो वो उनको पता होता है कि इस एरिए के जो वो है रूम्स वो कौन डील करता है। ये भाई साहब मेन रोड है जिधर से मैं यूनिवर्सिटी जाता हूँ, ना कोई गाड़ी ना कोई शहर, मज़े की जगह। इस तरह की पुरसकून जगह मैं ढूंढ रहा था कि ना कोई बंदा ना बंदे की ज़ात हो। ओए हो हो, व्यू देखें आप, क्या ही व्यू है। छोटी छोटी सोसाइटी थे पुराने स्टाइल की। वाह वाह क्या बात है भाई। इतने घने दरख्त हैं, ये नेचुरल नहीं थे, इन्होंने लगाए हुए हैं। बहुत सारे आगे मैं जाता हूँ वहाँ पे, मैं देखता हूँ कि वो अभी इन्होंने नहीं लगाए हुए हैं। तो ये दरख्त इन्होंने लोगों ने लगाए हैं। अगर यहाँ से अंदर जा सकते हैं तो हम ट्राई करते हैं। ये रोड किधर तक जाती है, ये है कनपंग ट्रेल, पंग हाइकिंग ट्रेल एंट्रेंस। वाह जी वाह, हाइकिंग की जगह मिल गई है। अब आगे चलते हैं हम, हाइकिंग ट्रेल। अच्छा, इधर जाना है या उधर जाना है ये समझ नहीं आ रही। चलो इधर से ऊपर चढ़ते हैं। ओए हो, ये देखें आप दरवाजे के ऊपर जो इन्होंने लगा, वो तेरी है, ये तो बहुत ऊंची है चढ़ाई भाई साहब। बाइक मेरा है भाई साहब, जिधर से ख़त्म हुआ मामला उधर से बाइक वापस कर लेंगे।
बस जी खत्म हो गया काम। अब दूसरा रास्ता डिस्कवर करें नहीं, उसमें क्या है। वाह जी वाह, मुझे डर है एक हाथ से मैंने कैमरा पकड़ा हुआ गिर ना जाए। इस बाइक के अगले टायर में दो डिस्क ब्रेक है। ये है भाई सब चाइना दरख्त ना, यहाँ पे ये फ्रूट के दरख्त लगे हुए हैं सारे। तो मुझे यूनिवर्सिटी में बताया था दोस्त ने कि यहाँ पर फ्री कैंटीन के सामने रखते हैं गर्मियों में, कि जितना जो खा ले लेके जा सकता है ये जो दरख्त हैं। चलें जी डिस्कवर करते हैं आज। वाह जी वाह क्या बात है, आई थिंक इधर है हाइकिंग ट्रेल। भाई साहब नहीं, बाइक 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 भाई साहब, चढ़ाई बहुत ऊंची थी और मेरा बाइक ऑलमोस्ट चढ़ तो गया था लेकिन आगे से इतनी ऊंची थी कि अगला पता लगता था पीछे ही ना मैं गिर जाऊं उल्टी तरफ। सो आगे सीढ़ियां थी, बाइक नहीं था। सो जा सकता तो अभी वापस चलते हैं। ओह यार इतनी ग्रीनरी, काश ये पाकिस्तान में भी हो। वाह जी वाह क्या बात है, हाँ वापस आ गया मेन रोड पे। चाइना में आ गया ना आदमी, इधर उधर डिस्कवरियाँ कर रहा था, ये रोड किधर जाती है, ये कौन सा इलाका है। तो इसी में काफ़ी आदमी का क्या नोवेल्टी होती है, नई चीज़ होती है, इसलिए देख देख के ना मज़ा आता है, आदमी डिस्कवर भी करता है नई जगह चीज़ें, कुछ भी होता है। इसी में वीकेंड गुजर जाता है, फिर काम में मसरूफ हो जाता है आदमी। वाह जी वाह, आपको व्यू दिखाते हैं। मैं यू टर्न लेकर वापस जाऊं यहाँ कहीं से। BMW, वाह जी वाह क्या ही बात है। पार्किंग के इधर बहुत जुगाड़ है गाड़ी के, गाड़ी होनी चाहिए लेकिन गाड़ी के लिए लाइसेंस होना ज़रूरी है। सो गाइस आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, चंदन के विलेज के और सीन देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, मैं वीडियो बनाता रहता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अंटिल दैट टाइम टेक केयर, बाय बाय।